Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. ख्वाजा साद रफीक जे केस से सुप्रीम कोर्ट जे फैसले में नैब एस्टेब्लिशमेंट ई समूरन कठपुतली सियासी पार्टीज जो एहसाब थी रो है। पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के बंद करण ई चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल का इस्तीफा जो मुतालबो करे छो। बिलावल भुट्टो जरदारी चयो है तो पार्लियामेंट के फौरी तौर पर हरकत में अचण घुर्जे ई समूरी सियासी जमातू मिली नैब के कार्य कानून के खत्म करण लाए गडियल किरदार अदा कन। जडे जामलन के हुकूमत में आंदो वियो है तो मुल्क जमहूरियत से अड़ो हशर थन्द है जो इन वक्त पाकिस्तान जो थी रो है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो पाकिस्तान के करप्शन का पाक बनाने लाए पीटीआई के इकतदार में आईंदड़ बुधाइन मुल्क करप्शन का पाक थी वो हाँ तो पीटीआई के भी इकतदार में रखने जो को भी जवाब ना है। चूंडन जिया हाँ भी समूरन पार्टीज के खेल ला एक जड़ो मैदान न मिली रो है। जिन्होंने इनको लेकर आए थे अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा एस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारे कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है, नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले दरवाजे लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। पार्लियामेंट को फौरन एक्ट करना चाहिए। पहले कदम हमारा होना चाहिए कि हम नैब को खत्म करें, बंद करें। ये जो काला कानून पाकिस्तान की आईन पे लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको तो बंद करना चाहिए और फौरन सारे जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना चाहिए। अगर आप नैब के थ्रू हुकूमतें बनाते हैं, सेलेक्टेड कंपनीज को इख्तदार में को दिलवाते हैं, तो जो पाकिस्तान के मीशत का हाल है वही होता है आपका पाकिस्तान मीशत के साथ। जो हमारा जमहूरियत का हाल है आज यही होता है इसके साथ। हफीज शेख मालियाती कमीशन में आउट। वफाकी हुकूमत मालियाती कमीशन की जोड़जक वो पहुँ नोटिफिकेशन वापस वी छो। मालियाती कमीशन की जोड़जक जो नॉन नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अटॉर्नी जनरल के जवाब बाद मालियाती कमीशन के पहुँ नोटिफिकेशन खिलाफ दाखिल दरख्वास्त रुकाये छी। बुधने दौरान अटॉर्नी जनरल नॉन नोटिफिकेशन जमा कराइंदे तो मूँ पहले नोटिफिकेशन के हुकूमत के मशवरो दिनो हो, हाँ नॉन नोटिफिकेशन जारी थी वो है। जस्टिस आमिर फारूक रिमार्क्स डींदे तो नोटिफिकेशन वापस थे दरख्वास्त बेअसर थी वही है, हाँ उनके उकलायूं था। नवाज अली तरफा मोहसिन शाहनवाज रांझा इकरम दस्तगीर तरफा मालियाती कमीशन की जोड़जक बाबत जारी थियल पहली नोटिफिकेशन खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कई वही हुई। नवंबर महीने का गाड़ियों से अचरक वाली नंबर प्लेट इस्तेमाल की वी। सिंध काबीना अचरक वाली नंबर प्लेट मुतारिफ कराने की मंजूरी दे छी। सिक्योरिटी फ्यूचर्ड नंबर प्लेट्स की मंजूरी का पोए नंबर प्लेट से रेट्रो रिफ्लेक्टिव वर्क इस्तेमाल कया वा। वे वजीर चया है तो नए नंबर प्लेट्स की कीमत घट होजन घुर्जे तो जी कस्टम्स से बार न पवे। काबीना के इजलास में एजुकेशन सिटी एक्ट 2013 में तरमीम की भी मंजूरी दिनी वही। तरमीम तहत चेयरमैन बोर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म। एजुकेशन सिटी के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट काउंसिल जो चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन सीड़पकारी खाते जो सेक्रेटरी हुंदा। एजुकेशन सिटी मलीर जिले के देहचूहड़ में 8921 एकड़ से मुश्तमिल हों। वे वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना के इजलास दौरान वफाकी हुकूमत का सिस्टर रुथ लुइस के सिविल अवार्ड दियण जो मुतालबो। शहरन की जान ए माल जो तहफ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ी मतीउल्ला जान के अगवा वाक़े जो नोटिस वी छो। आई जी इस्लामाबाद तलब तो इन अदालत केस से बुधने दौरान
सहाफी मतीउल्लाह जान सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पुछो तो बासियाबी बाद मतीउल्लाह जान जो बयान रिकॉर्ड किया वो इन केस में सब का पैं तो मतीउल्लाह जान जो बयान रिकॉर्ड थे घुर्जे। अटॉर्नी जनरल चयो तो मतीउल्लाह जान जो बयान रिकॉर्ड ना थी सको। बुधने दौरान सहाफी मतीउल्लाह जान तोहीन अदालत केस में जवाब दियण लाइ मोहलत की इस्तदा कदे अगवा थियण सबब जवाब जमा कराने जो मौको ना मिलो। शफाफ ट्रायल जो हक दिनों वाले अदालत तो इन अदालत केस से बुधनी बिन हफ्तन लाए मुलतवी कर छी। सहाफन खिलाफ दोहन जो खात्मो अचन घुर्जे। इस्लामाबाद में जो कुछ थो सारी रियासत उनकी जिम्मेवार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट सहाफी मतीउल्लाह जान के अगवा वाक़े के इस्लामाबाद पुलिस लाए टेस्ट केस करार दे छो। अदालत मतीउल्लाह जान की बासियाब थियण बाद संदस अगवा खिलाफ दाखिल दरख्वास्त सुखाए छी। चीफ जस्टिस अतर मिनला रिमार्क्स अलार्मिंग सूरत हाल है उनके बर्दाश्त नो कर जैं भी अड़ो अमल किया है वो बन के बिजारण चाहे तो कें एडी हिम्मत है जो पुलिस के वर्द में अगवा वो कम किया। सहाफी के अगवा में इस्तेमाल थे गाड़ियों मथा पुलिस लाइट्स लगल हुई। सिंध में पुलिस का वधिक धारेल सरगर्म की व्या घोटकी भरसा हथियारबंद अताई डॉक्टर गुलाम मुस्तफा चनो के अगवा करे व्या। वारिस हथियारबंदन जा पेरा खड़ी कच्चे तरफ रवाना। कंदकोट में बिन जणन के अगवा करण की कोशिश नाकाम। हथियारबंद जुमो जाफरी समेत बिन जणन के अगवा करे कच्चे डां मनी रहा हुआ तो पुलिस कार्रवाई करे खेन चलाए वरतो। गौसपुर के मुख्तलिफ़ इलाकन में अगवा थियल पंज जणन की बाजियाबी पुलिस लाए चैलेंज बणियल। पार्सन एसएसपी कश्मोर की खातरी बाद अज रिथल धरनो मुलतवी कर छोड़ो। पुलिस के बिन ढीह की मोहलत सकड़न लग धारेल हथा मुबैना तौर अगवा थियल बभायर कोड़ल आई फारूक सुहाग बासियाब। पुलिस दावा कई है तो हथियारबंद पुलिस की नाकाबंदी सबब मौकवन के छड़े व्या। बावड़ो भरसा एक महीनों अग अगवा थियल टे जणा अलहरख सोलंकी अजीम सोलंकी ए अब्दुल रशीद मलिक बासियाब थी घर पहुंची व्या। नौजवानों का चवण है तो वारिस कच्चे में पाक किताब खी आया जैन के हथियारबंद छड़े दिनों। सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब से एतराज़ जोगे मवाद जो नोटिस वी छो। फिरके वाराणे डोह में मुलविस जवाबदार शौकत अली की जमानत वाले केस में रिमार्क्स दींदे जस्टिस काजी अमीन चयो तो असां के इजहार की आज़ादी से को मसलो ना है। अवाम के पैसे में पघार मिले थी असांजी कारकर्दगी ए फैसलन ते गालहाण जो अवाम के हक है। एफ आई ए पीटीए डिठो है तो यूट्यूब से रो है। यूट्यूब सूदो सोशल मीडिया से असान खानदान के भी बख्श नो वे। यूट्यूब से कुछ चाचो तो को वरी मामो बणी वही रो है। जजिस के शर्मसार किया वो है। अदालत घरू खाते अटॉर्नी जनरल के नोटिस जारी कर छा। सिंध में कोरोना के मकामी मुंतकिलन का केस सामू अचन जो सिलसिलो जारी। भांसिदाबाद के गोठ वाहड़ जो रिवासी 56 वर्ष जो गुलाम कादिर पंवर कोरोना बी केस सिवन अस्पताल में फौत। जाति में कोरोना वायरस जहाँ 6 केस सामू अची व्या। याम नवाज अली भरसा बिरानी टाउन कमेटी के चयन मुलाजमन के कोरोना वायरस की तस्दीक। सिंझोरो में कोरोना जहाँ 4 केस सामू अची व्या। मुतासन जो अंग 144 थी वो। सेवन में कोरोना जहाँ 2 केस जाहिर। मुतासन जो अंग 397 थी वो। मेरा जवाब पहले भी ना था, आज भी ना है और हमेशा ना रहेगा। अपने शौहर मुरीद अब्बास के कत्ल का मैं कभी भी सौदा नहीं करूँगी। उसके खून का सौदा मैं कभी भी नहीं करूँगी। आप कहते हैं आदिल जमान को सज़ा नहीं होगी और आदिल जमान को तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको इतना ही यकीन है तो आप डर काहे पर आए? आप फेस कीजिए ना ट्रायल को और जो पैसा आप ऑफर कर रहे हैं वो बचा के रखिए। ट्रायल पर जो पैसा खर्च होता है ना वो काम आएगा और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है इंसाफ का बुलवाला होगा। मुरीदाबाद से कतल थे थियल नुकसान जो अजालो तो नो थी सके पर गालू करे सकजन थियूँ।
एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुख्य जवाबदार आतिफ जमान तरफा ठा जो कोशिशों तेज जवाबदार मकतू के वारसन दान ठा बीहर पैगाम माने छो जरिए मौजिब आतिफ जमान एंकर पर्सन के वारसन के पैगाम दिनों है तो वह पैंकी जमीन विक्रो कर मकतू के घर भातन के देर की रकम अदा कर तैयार है। मुरीद अब्बास की जाल सूदो बिन घर भातन जवाबदार से ठा का खुतो जवाब दई छो जारा अब्बास है तो वह पैं मुड़स केस आखिर तीन विढ़ी भले डिघे अरसे ताई केस हले खेस अदालत में इंसाफ की उम्मीद है कातलन से कदें भी ठार न किया वो। जिना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली के कॉलन कैंसर की तस्दीक खानगी अस्पताल में सर्जरी कई वही डॉक्टर सीमी जमाली है तो सुभाने 12 केमोथेरेपी जहाँ सेशन्स सर्जरी मुकम्मल थन का बीहर अस्पताल की जिम्मेवार संभाली। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के मियावाली कॉलोनी में हथियार बंदन की फायरिंग दादो कतल संदस पुट ब पोटा जख्मी पुलिस को चवण है तो घर से फायरिंग कर 55 वर के फजल के कत्ल किया वो गोली लगन सबब संदस 25 वर के पुट अमजद मासूम बारे अली समेत 3 जना जख्मी थे। सैयद मीर मोहम्मद शाह IBS सख जो वक्त ही वाइस चांसलर मुकर्रर नोटिफिकेशन जारी अगुणे वीसी निसार सिद्दीकी के लाडाने का सीट खाली पल हुई जैसे 21 ग्रेड के प्रोफेसर मीर मोहम्मद शाह के वक्ती वीसी मुकर्रर किया वो। मीरपुर खास की अदालत मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कल जवाबदारन हरेश कुमार पड़ेला चेतन कुमार के 5 दिन के रिमांड से FIE हवाले कर छो जवाबदारन के गुजरत रात कराची मीरपुर खास में कार्रवाई दौरान गिरफ्तार किया वो हो। थोल भरसा हथियार बंदन भागिन हथा मार्चवेल चोर के पलान में नौजवान एजाज सुमरों के गोलू हणी कत्ल कर छो मकतूल के वारसन को लाश रखी धरनो संदन चवण है तो 7 महीना अग चोरी की कोशिश दौरान भागिन की फायरिंग में वरकाली मीर बहर मारी वो हो जैसे पलान में मीर बहर बिरादरी के हथियार बंदन नौजवान के कत्ल किया है। कश्मोर भरसा जमीन के तकरार तान झेड़े दौरान फायरिंग में नौजवान लालदीन मजारी कत्ल 10 जना जख्मी। कंबर भरसा गोट गनो चांडो में 25 दिन अग गिरफ्तार कल नौजवान जमीर चांडो जो तशद में गोलू लगल लाश हथ वारसन जो चवण है तो पुलिस जमीर चांडो के कत्ल करण का लाश सिविल अस्पताल बाहर उसे वही माही मुकुल पुलिस खिलाफ कार्रवाई कर इंसाफ दियारो वे पुलिस जो चवण है तो जमीर चांडो एहलकार का राइफल फुरे आबकात कर। तलहार में गुजरल चांडिया कच्छी बिरादरी के बिंदुर में झेड़े का पुलिस जहाँ जवाबदार की गिरफ्तारियों लाइ मुख्तलिफ हंधन से छापा बदना गिरफ्तार गुजरल मामूली गाल धुर में झेड़े दौरान इलाको जंग जो मैदान बणजी वो पुलिस की मौजूदगी में धुरन विच में रोड से एक बे लठन जो वसकारो लाए दिनों जै सबब केतरा ही मू जख्मी पाया। खैरपुर की दहशतगर्दी चोड़ अदालत पीर जो गोट में नींगर अब्दुल अहद सोलंगी के ढाढ़ाई बाद कत्ल करण जो इल्ज़ाम हेठ गिरफ्तार कल जवाबदार दिलबर चांडो के 7 दिन के जिस्मानी रिमांड के पुलिस हवाले कर छो पुलिस जवाबदार के 14 दिन रिमांड लाए दरख्वास्त कई जेका अदालत रद्द कर छी। रहमियार खान वेझो नीलगढ़ वाले इलाके में कारह इल्ज़ाम हेठ नौजवान जो मथो मुछू और भिरू पुरण बाद मुंह कारो करे तस्लीम वीडियो सोशल मीडिया से वायरल पुलिस वाके जो केस चैनल खिलाफ दाखिल करे वरतो। अस्सलाम वालेकुम नासरीन टाइम न्यूज़ से गड माया शाहिद सियाल हेडलाइंस वांदी छूं बुलेटिन की शुरुआत कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।